होता है और पिता की तरह माता पिता दोनों का गुरु हमेशा शिक्षा करता है और शिक्षक के साथ एक सबसे बड़ी बात यह भी होती है कोई भी दुनिया का पद हो चाहे पिताजी हो चाहे माता जी हो चाहे भैया हो चाहे हो जाता है हर इसका अपने किसी भी संबंधित से अपने नाम के लिए रखा है अगर ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो हमारा नाम होगा हम आगे बढ़ेंगे पिता सोचता है कि बच्चे हमारे जो है कमाएंगे कल को नाम रोशन करेंगे हमारी जो है आगे बुढ़ापा करते हैं अच्छा सा और हमारा नाम भी रोशन होगा लेकिन शिक्षक भी एक ऐसा पद होता है जो अपने लिए अपने नाम के लिए नहीं मरता बल्कि वो अपने बच्चों का अपने विद्यार्थियों से छात्रियों का गुणगान करता है उसे ये बताने में बहुत खुशी होती है कि अरे हमारे शिक्षकों की भाई वहाँ पर जज है वो उसका गुणगान करता है ये शिक्षक जो है हमेशा अपने शिक्षार्थी या अपने विद्यार्थी का गुणगान करता है अपना गुणगान अपने पद के लिए नहीं मरता शिक्षक होने को हमको नहीं चाहिए आप लोगों को होना चाहिए शिक्षक में तीन शब्द तीन वर्ण तीन अक्षर सी छा और का हिंदी में भी शिक्षक को बुलाने समय से ही भूल समझते हैं तो शिक्षक में ये जो तीनों वर्ण है सी और छा और का इनका सबका अपने में एक बेजोड़ अर्थ होता है आप समझ सकते हो सी से शिक्षा देने वाला ज्ञान देने वाला आपके अंधकार को दूर करने वाला आपको आगे प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए उपक्रम करने वाला छा का मतलब होता है क्षमाशील रहे आपके अवगुणों आपके दुर्गुणों आपकी बुराइयों एवाइड करके भी आपसे जुड़ा रहे और आपकी बुरी आदतों को दूर करके आपको अच्छा बनाता रहे और काशी अभिनंदन का विषय आप में ऐसे भावना रखे कि जिससे अपने कर्म पथ पर आप लगन से जुड़े रहो जुटे रहो आगे बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हर क्षेत्र में आप आगे जाओ विकास करो और आपका हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो शिक्षक को आप बहुत सारी तुलना देते हो बहुत सारी कवियों से कई कई बहुत सारी बातें सुनते हो वैसे शिक्षक के बारे में शिक्षक की तुलना सड़क से भी की जाती है सड़क अगर आप कभी देखो चाहे जिस सड़क को वो वही की वही पड़ी रहती है आज देख रहे हो कल देखोगे परसों देखोगे वो सड़क वही